एल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड AICTSL के मुखिया की फर्जी साइन कर पूर्व पार्षद इफ्तिखार मुन्ना अंसारी को महंगी पड़ गई। 4 साल बाद कागजों की हेराफेरी और धोखाधड़ी का हुआ मामला दर्ज। पार्षद अंसाफ अंसारी द्वारा की गई शिकायत फर्जी लेटर से स्कूल में खड़ी हो रही थी सिटी बस। मामला सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर दौलतगंज में रहने वाले पार्षद अंसाफ अंसारी को शिकायत मिली थी, जिस पर अंसारी द्वारा सेंट्रल कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की गई। AICTSL के मुखिया की गलत दस्तावेज पेश कर फर्जीवाड़ा तरीके से इफ्तिखार मुन्ना अंसारी द्वारा सिटी बस इंचार्ज का फर्जी अनुमति पत्र बनाकर हाथीपाला स्थित उर्दू स्कूल के प्रचार को दिया गया, जिस पर दर्शाया गया है कि उक्त व्यक्ति को स्कूल प्रांगण में अपनी बस खड़ी करने की अनुमति दी जाए। फर्जी दस्तावेजों का खुलासा करते हुए पार्षद अंसाफ अंसारी द्वारा जिसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के साथ 400 BC का मामला सेंट्रल कोतवाली थाना में दर्ज किया गया है। वहीं पूरे मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। जिनके ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, अंसाफ अंसारी जो अभी तक फारसत थे, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी के द्वारा इनकी कुछ बसें AICTSL में अटैच हैं, तो इन्होंने उनके CO SDM सोनी जी के फर्जी हस्ताक्षर करके और एक लेटर उर्दू स्कूल जो कि दौलतगंज में है वहाँ पे सबमिट किया और करीब 4 बसें उनके प्रांगण में खड़ी करते रहे। और इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि AICTSL से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है सोनी जी SDM सोनी के नाम से, तो प्रथम दृष्टया इस पे 420 का प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। किनके खिलाफ किया गया सर और क्या गिरफ्तार? मुन्ना अंसारी पूर्व पार्षद गिरफ्तारी होगी, ये विवेचना चल रही है, उसके बाद जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर बताया पूर्व पार्षद के खिलाफ आज FIR दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला? 2016 के अंदर एक मैं जब अभी तो पार्षद जी कार्यकाल 1 साल ऊपर हो गया, जब पार्षद था तो मेरे वार्ड के अंदर हाथीपाला शासकीय स्कूल में पहुंचा तो वहां पर स्कूल परिसर में 3-4 बसें खड़ी हुई थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैंने वहां पर प्रिंसिपल से शिकायत की कि आप स्कूल परिसर में कोई भी गाड़ी कैसे खड़े होने की इजाज़त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमको 3 रोज पहले एक पत्र AICTSL सिटी बस से आया है और उन लोगों ने हमको ये बोला कि ये बसें यहाँ खड़ी होने पार्क करने को दिया जाए। मैंने चूंकि सरकारी स्कूल है और मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों की तादाद 1000 से ऊपर है और उर्दू हिंदी इंग्लिश मीडियम तीनों एक साथ पढ़ाई हो रही है, मैंने कहा कि इससे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। मैंने पत्र उनको सूचना का अधिकार लगाया, 3 दिन के अंदर कॉपी मेरे को उन्होंने दी। वो पत्र लेके मैं सिटी बस गया क्योंकि नगर निगम से संबंधित हमारी संस्था है सिटी बस भी, वहाँ के MD महापौर हैं और अपर आयुक्त संदीप सोनी जी वहाँ के CEO हैं। मैंने एक पत्र वहाँ भी लगाया सूचना का अधिकार में कि आप मेरे को ये पत्र के जो क्रमांक है आवक जावक किस पे किसको आपने पत्राचार किया और ये लेटर इस दिनांक को कैसे किसको पहुँचाया। उन्होंने वहाँ से मुझे जानकारी सूचना के अधिकार में दी कि हमने ये पत्र संयोगितागंज थाने पे इस नंबर से जावक नंबर से भेजा है, TI साहब से कोई पत्राचार किया था, चूँकि संयोगितागंज थाने में ही सिटी बस का ऑफिस आता है और आज दिनांक तक हमने कोई भी शासकीय स्कूल में हाथीपाला को कोई पत्राचार नहीं किया है। फिर मैंने उनको पत्र दिया कि आपकी साइन से ही पत्र फलानी फलानी बसें खड़ी हो रही हैं, एक लेटर और लगाया कि आप ये 4 बसों का मुझे बता दें कि इसका संचालन करता कौन है और किस नाम से, और ये फर्जी पत्र आपने बनाया है कि किस संचालन करता का है। फिर उन्होंने मेरे को जवाब दिया जो कि मेरे पास सूचना के अधिकार में पूरी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ये 4 बसों का जो प्रोपराइटर इफ्तिखार मुन्ना अंसारी है पूर्व पार्षद, वो प्रियदर्शनी ट्रांसपोर्ट के नाम से ये बसें चलाता है, जिसके भी 18-20 बसें सिटी बस में लगी हुई चल रही हैं। मैंने कहा कि इस पर आप FIR कराइए, गलत पत्र इन्हें दे के और ये वहाँ इस तरह से गाड़ी खड़ी कर रहा था, वो गाड़ी खड़ी करना एक अलग बात हो गई, अब पत्र बना रहा है और करोड़ों रुपए का लेन देन सिटी बस से होता है क्योंकि वहाँ पे विज्ञापनों से आवक होती है, आवक जावक ही होती है, तो आपकी साइन कोई भी कर लेगा। तो संदीप सोनी जी ने 2017 में मेरे को एक लेटर दिया है AICTSL का, जिसमें उनकी साइन है, उन्होंने लिखा है और सेंट्रल कोतवाली थाने को भी लिखा है कि ये मुन्ना अंसारी को हमने एक शोकाज नोटिस दिया था, हमारे विभागीय कार्रवाई करी, उनने जवाब नहीं दिया है और फर्जीवाड़ा इफ्तिखार मुन्ना अंसारी ने करा, तो उस पर FIR दर्ज किया है।
मैंने 50 लेटर महापौर जी को लिखे, 50 लेटर संदीप सोनी को दिए कि आप चल के FIR कराएं। शायद इन सबकी मिली भगत थी, इन्होंने कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से माध्यम से करता रहा, सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर सरकार चेंज हो गई, भाजपा की आ गई, और ये अब जाके स्क्रूटनी हुई, DPO साहब से अभिमत लिए गया, सब जांचें उसमें हुई, 4 लग गए। अब जाकर पुलिस को लगा कि ये FIR मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो एक 2 पहले इफ्तिखार मुन्ना अंसारी पे 420, 467, 478, 471 और 462 धारा के तहत FIR दर्ज हुई है, जो गंभीर श्रेणी का अपराध है। और मेरे द्वारा जब पहली बार में पार्षद बना था, अभी सेकंड टर्म है मेरा, मेरे खुद के मकान की विवरणी जो मेरे नाम से, उसका स्क्वेयर फीट बढ़ाने के लिए इफ्तिखार मुन्ना अंसारी जी ने फर्जी विवरणी बनाई थी, जो कि पकड़ा गई और लोअर कोर्ट में उनको इसमें भी 420 का और सब धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उसकी अपील सेशन में कर दी। कोरोना काल में कोर्ट बंद हो गई, इसलिए वो उसमें भी बचे हुए हैं, क्योंकि इनकी आदतन ही अपराधी है। 420 के और कागजी कार्रवाई को अधिकारियों को साइन कर लेना इनके लिए मामूली बात है, और इसलिए ऐसे गंभीर श्रेणी में अपराध करते हैं। प्रशासन का मैं धन्यवाद देता हूं, पुलिस का, कि उन्होंने सही साथ संज्ञान लेकर, और 4 की भले ही देरी हुई है, लेकिन आज सही मुकदमा दर्ज किया। अंसाब अंसारी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 60, रानीपुरा, इंदौर।